हेलो दोस्तों, मैं हूं अक्षय। मैं फिर से आपके लिए लेके आया हूं एक बहुत ही फेमस मूवी की समरी, जिसका नाम है पावर रेंजर्स। जो मूवी के फैंस हैं उन्होंने ये मूवी जरूर देखी होगी, और जिन्होंने नहीं देखी है उनको ये मूवी जरूर देखनी चाहिए। और दोस्तों थैंक यू, आप लोगों को मेरी पहली मूवी मॉर्टल कॉम्बैट काफी पसंद आई। आप सभी के कमेंट्स पढ़े मैंने, और जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखी है मेरी पहली मूवी, तो इस वीडियो की एंड में आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहाँ से आप देख सकते हैं। इस मूवी में दिखाया गया है कि कुछ हाई स्कूल के स्टूडेंट्स का ग्रुप होता है जिनके पास सुपर पावर्स होती है, और वो इस दुनिया को बचाने के लिए कैसे अपनी सुपर पावर्स का यूज करते हैं। तो दोस्तों मूवी शुरू करने के पहले जानते हैं इस मूवी की कुछ खास बातें। ये एक साइंस फिक्शन मूवी है, इसकी IMDb रेटिंग 5.9 आउट ऑफ 10 है। तो चलिए बिना देर के चलते हैं हमारी मूवी की समरी की तरफ। मूवी की शुरुआत सीनाजोइक एरा से होती है, जहां ग्रीन पावर रेंजर्स रीता ने बाकी पावर रेंजर्स को धोखा देकर अपनी जिम्मेदारी के खिलाफ जाते हुए अर्थ पर हमला किया होता है। और पावर रेंजर्स की जिम्मेदारी ये होती है कि वो अर्थ और जियो क्रिस्टल, जो कि हर प्लैनेट पर एक एक मौजूद होता है, उसे महफूज रखेंगे। इसीलिए बाकी पावर रेंजर्स रीता से लड़ रहे होते हैं, जिसमें रेड रेंजर जॉर्डन जख्मी हुआ होता है, जबकि बाकी सब मर चुके होते हैं। जॉर्डन कॉइन, जिसे पावर रेंजर्स को पावर मिलती है, उनमें से ग्रीन को छोड़ के बाकी सारे कॉइन जमा करते हैं, और अपने रोबोट असिस्टेंट अल्फा 5 को सिचुएशन बताकर कॉइन्स छुपाने को कहता है। साथ ही जॉर्डन उसे कॉइन्स उन लोगों को देने को कहता है जो उसे डिजर्व करते हैं, और उसे स्ट्राइक करने को भी कहता है। रीता जॉर्डन के पास आती है तो जॉर्डन उसे बातों में लगाए रखता है। तभी स्ट्राइक होती है, जिससे रीता कॉइन से अलग होती है। उसके साथ ही पानी में गिर जाती है, जबकि जॉर्डन दूर गिर जाता है और कॉइन्स एक ग्लास में सेफ हो जाते हैं। टाइम गुजर जाता है और सीन्स आते हैं 21वीं सदी में, जहां एंजल ग्रूव नामी टाउन का फेमस फुटबॉल प्लेयर और हाई स्कूल स्टूडेंट जेसन दिखाया जाता है, जो स्कूल के रूल्स तोड़कर पुलिस से भाग रहा था। तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिस पर वो पकड़ा जाता है और उसके एंकल मॉनिटर लगाकर उसे हाउस अरेस्ट पर रखा जाता है। साथ ही 3 हफ्ते बाद उसे डिटेंशन पे भी भेजा जाता है, जिस पर उसके फादर सैम उस पर गुस्सा करते हुए उसे स्कूल ड्रॉप कर देते हैं। जेसन डिटेंशन रूम जाता है तो वो देखता है कि कॉल बिली नामी स्टूडेंट, जो कि ऑटिस्टिक है, उसको बुली कर रहा है, जिस पर वो उसे बचाने जाता है और उससे सब इम्प्रेस हो जाते हैं, जिनमें किम्बरली भी होती है, जिसे उसके फ्रेंड बाथरूम में बुला के इंसल्ट करते हैं और उससे दोस्ती खत्म कर देते हैं। साथ उसके पिक्चर को काट के चले जाते हैं, जिसके बाद किम्बरली उन्हीं सीजर से अपने बाल काट के क्लास में आ जाती है। क्लास खत्म होते ही सब अपने पेरेंट्स के साथ जाने लग जाते हैं। तभी बिली जेसन को रोकता साथ रात को हैंगआउट करने का कहता है, साथ ही बताता है कि वो मॉनिटर को ऑन रख सकता है और उसके पास वैन भी है। जेसन पहले तो वहां से चला जाता है, लेकिन फिर वो अपने पेरेंट्स को अपनी वजह से लड़ता सुनकर बिली के घर आ जाता है, और बिली उसके मॉनिटर को ऑन कर देता है, जिससे उसकी लोकेशन उसके घर की आ रही होती है। फिर बिली अपनी वैन जेसन को देकर उसे गोल्ड माइन ड्राइव करने का कहता है, जहां वो अपने डेड फादर की बताई बातों के मुताबिक ब्लास्ट करना चाह रहा होता है, और जेसन उसे वहीं छोड़कर जाने लगता है। लेकिन उसे किम्बरली हिल पर नीचे पानी में जंप करती दिखती है, जिस पर वो उसे ढूंढने जाता है और वो उसके पास ही होती है। ये दोनों इधर बातें कर रहे होते हैं, उधर बिली वायर्स लगा रहा होता है और हिल्स की दूसरी तरफ जैक ट्रीनी को देख रहा होता है, जो रोज योगा करने आई होती है। उस सब के दौरान बिली वायर्स जोड़कर ब्लास्ट करता है, तो सब उधर आ जाते हैं और बहस करने लगते हैं, जिसके दौरान एक हिल टूटती है और उससे ग्लास निकलता है, जिसमें वो कॉइन्स देख लेते हैं। जैक एक्स से हिट करता कॉइन्स को बाहर निकालता है, तो सब एक एक ले लेते हैं और उससे गौर से देख रहे होते हैं कि उन्हें माइंड का अलार्म बजता सुनाई देता है, जिस पर वो वहां से भाग जाते हैं। बिली और जेसन वैन में बैठे पुलिस से बचते हुए बाकी सबको पिक करते हैं, और सब बिली को कार रेल रोड से चलते दूर ले जाने को कहता है, जिस पर अमल करते हुए बिली आगे बढ़ता है तो वैन की ट्रेन से टक्कर हो जाती है और वैन बुरी तरह तबाह हुई दूर जाकर गिरती है। दूसरी तरफ सैम फिशेस के साथ बारिश होने की वजह से नेट वापस खींचता है, तो फिशेस के साथ रीता की बॉडी भी निकलती है, जिसे वो फ्रीजर में रख देते हैं और सुबह पुलिस ऑफिसर को बुलाकर दिखाते हैं। लेकिन जब ऑफिसर देख रहा होता है तो रीता से ग्रीन लाइट निकलती है और वो जाग जाती है। उधर बिली जेसन और किम्बरली अपने रूम्स में बिल्कुल सही उठते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि कॉइंस से उन्हें पावर्स मिली है, जिससे वो बहुत ताकतवर हो
गए हैं और वो इस बात को स्कूल में मिलकर डिस्कस करते हैं और फैसला करते हैं कि वो वापस माइन जाकर हल ढूंढेंगे। स्कूल खत्म होते ही वो तीनों माइन जाते हैं जहां उन्हें जैक और ट्रीनी भी मिलते हैं, जिनमें से जैक तो ग्लास तोड़ रहा होता है जबकि ट्रीनी उन्हें देखकर तेजी से अपनी पावर से क्लिफ चढ़ने लग जाती है। वो सब उसके पीछे जाते हैं, क्लिफ से जंप करते हैं लेकिन बिली क्लिफ से पानी में गिर जाता है और सबको पानी में बुलाता है, जहां वो कुछ ना होने पर खुश हो रहा होता है कि बिली पानी के नीचे कुछ देखता है। वो सबको लेकर उस तरफ जाता है तो वहां पानी की वॉल दिखती है जिसके दूसरी तरफ सब कुछ सूखा होता है और वहां निकलने पर स्पेसशिप मिलती है जिसमें जाने पर जेसन का रेड कॉइन शाइन करने लगता है। वो सब स्पेसशिप में घूम रहे होते हैं तो शिप के दरवाजे बंद हो जाते हैं, फिर उन्हें किसी के आने की आवाज आती है जिस पर वो सारे चुप हो जाते हैं, लेकिन ट्रीनी को निकाल लिया जाता है जिससे सब बचाने जाते हैं तो उन्हें अल्फा 5 मिलता है जो उन्हें देखकर बहुत खुश होता है। वो उन्हें एक वर्कस्पेस के पास लेकर जाता है जहां वो उन्हें एक जगह खड़ा होने को कहता है जिस पर जॉर्डन की कॉन्शियसनेस जग जाती है और उसे अल्फा कॉइन का बताता है, जिस पर जॉर्डन सब होलोग्राम में हिस्ट्री बताता है, कहता है कि आप वो पावर रेंजर्स हैं जो क्रिस्टल और अर्थ को प्रोटेक्ट करेंगे। साथ ही बताता है कि रीता 11 दिन में पावरफुल होती क्रिस्टल ढूंढने के लिए अपने मीनियन गोल्डर को लाने की कोशिश करेगी और फिर उसके क्रिस्टल ढूंढने पर वो अपने डायनासोर की आर्मी के साथ अर्थ पर अटैक करके उसे तबाह कर देगी। साथ ही वो सबको विजन दिखाता है जो कि उसके मुताबिक फ्यूचर होता है और उसमें वो लोग टाउन के लोगों को रीता के हाथों स्टोन बनाते और फिर उनको टूटते देखते हैं। फिर भी सब उसकी बातों पर यकीन ना करके शिप से चले जाते हैं, जिस पर जॉर्डन जेसन को रोकता उसे बताता है कि वो रेड रेंजर है, इसलिए वो लीडर है जिसकी वजह से उसे सबको जमा करना होगा और जेसन उसकी बातें सुनकर कन्विंस हो जाता है और सबके पास जाता उन्हें कहता है कि उन्हें सवालों के जवाब देने होंगे जो जॉर्डन ही दे सकता है और उसके लिए अगले दिन आने को कहता चला जाता है। उधर रीता गोल्ड जमा कर रही होती है ताकि वो गोल्डर को बुला सके और इसके लिए वो लोगों को भी मार रही होती है। अगले दिन जेसन, जैक, बिली, ट्रीनी और किम्बरली क्लिफ के पास जमा होते हैं और जॉर्डन के पास जाते जो उन्हें कुछ 3 रूल बताता है। रूल नंबर 1, वो अपने पावर्स पर्सनल यूज के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते। रूल नंबर 2, वो किसी को भी पावर से बिना वजह नुकसान नहीं पहुंचा सकते। रूल नंबर 3, वो अपनी आइडेंटिटीज किसी को नहीं बता सकते। साथ ही उन्हें बताता है कि उन्हें मॉर्फिन ग्रेट खोलते हुए अपने आर्मर्स मॉर्फ करने होंगे, जिसके लिए उन्हें फोकस करना होगा। वो सब फोकस करके भी आर्मर नहीं ला सकते तो जॉर्डन उन्हें अल्फा 5 के साथ ट्रेनिंग के लिए लेकर जाता है जहां वो रीता के आर्मी का डुप्लीकेट बनाता है। अब अगले पूरे दिन उनसे लड़ने की ट्रेनिंग करते रहते हैं, जिसके दौरान ही जेसन जॉर्डन के पास क्रिस्टल की लोकेशन को देखकर उसे सॉल्व करता जाता है और पता लगा लेता है कि वो क्रिस्पी क्रीम की शॉप में है, लेकिन वो ना ही चेक करता है और ना ही किसी को बताता है। बहरहाल ट्रेनिंग के बावजूद भी जब कोई भी आर्मर नहीं मॉर्फ कर सकता तो अल्फा सबको हिम्मत दिलाने के लिए जोर्स दिखाने जाता है, जिसके बारे में वो बताता है कि वो सब आर्मर में मॉर्फ होने के बाद जोर्स कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए उन्हें ज्यादा मेहनत करनी होगी, और सबको वापस ट्रेनिंग के लिए लेके जाता है, जिस पर जैक उनके साथ नहीं जाता और जोर्ड में बैठ जाता है। जैक का उस पर कंट्रोल नहीं होता इसलिए वो सबके पास आकर क्रैश करता है, जैक को हिट करता है और दोनों लड़ने लगते हैं, जिसके बीच में बिली आता है तो वो बिना जाने आर्मर में मॉर्फ हो जाता है, जिस पर सब हैरान होते हैं और जैक उसे हाथ लगाता है तो आर्मर चला जाता है। जॉर्डन सबको एकदम से वहां से जाने को कहता है। किम्बरली उससे बिली के आर्मर लाने का बताती है, जिस पर जॉर्डन उन सबको एक और बार ट्राई करके आर्मर लाने को कहता है लेकिन कोई भी नहीं मॉर्फ होता है, जिस पर जॉर्डन डिसअपॉइंटेड सबको भेज देता है। सब बाहर आकर वहीं कैंप लगाने का फैसला करते हैं, जबकि उनको छोड़ के जेसन शिप में जाता है जहां वो जॉर्डन और अल्फा की बातें सुन लेता है, जिससे उसे पता चलता है कि जॉर्डन उनकी मॉर्फ करा के मॉर्फिन ग्रेड खोलना चाहता है ताकि वो खुद ह्यूमन फॉर्म में आकर टीम का लीडर बनकर लड़ सके, जो सुनकर जेसन बिट्रेड फील करता, जॉर्डन पर गुस्सा करता वहां से चला जाता है और बाकी सबके पास पहुंचता है। सारे वहां अपनी स्टोरीज बताते वार्मिंग करते हैं, लेकिन किम्बरली अपनी स्टोरी नहीं बताती है, जबकि दूसरी तरफ रीता अपनी पावर्स ले लेती है और जब सोने घर चले जाते हैं तो रीता ट्रीनी के घर जाती है जहां वो उसे माफ करके उसे धमकी देती है कि वो उस क्रिस्टल का बताएगी, लेकिन उसको नहीं पता होता है, इसलिए वो उसे क्रिस्टल की लोकेशन जानकर डेक पर मिलने का कहती है। ट्रीनी सबको
को कॉल करके स्कूल बुलाती है और रीता के आने का बताती है, तो जेसन उन्हें जॉर्डन की कही बातें बताता है। कहता है कि उन्हें खुद ही टाउन को बचाना होगा और वो सब उसकी मानते वेपन लिए डेस्क पे जाते हैं। वहाँ रीता सबसे पावरफुल होते हुए सबको हरा देती है और उन्हें बांध देती है। फिर वो सबसे क्रिस्टल के बारे में पूछती है जिस पर कोई जवाब नहीं देता है। रीता बिली के पास जाती कहती है कि उसे पता है और उसके सामने जैक को मारने लगती है ताकि वो क्रिस्टल का बता दे, और बिली बता देता है जिस पर रीता बिली को पानी में गिरा के मारती चली जाती है। सब खोल कर बिली को निकालते उसकी पल्स चेक करते हैं तो वो मर चुका होता है, जिस पर वो सैड होते हुए उसे उठाए जॉर्डन के पास लेके जाते हैं जो कुछ भी नहीं कर सकता। सब दुख में कहते हैं अगर उन्हें भी एक दूसरे के लिए जान देना पड़ा तो देंगे, और उनकी इस बात के बाद मॉर्फिन ग्रेट खुल जाता है जिस पर अल्फा जॉर्डन को इंसान बनने का कहता है, लेकिन वो दीवार में ही रहता है और सबको कहता है कि मॉर्फिन ग्रेट किसी एक को ही जिंदा कर सकती है। तभी बिली जिंदा हो जाता है, जेसन जॉर्डन को शुक्रिया अदा करता है तो वो उसे अपनी टीम को लीड करने का कहता है, और जेसन सबको लेकर मॉर्फिन ग्रेट के पास आता है जिस पर वो सब आर्मर मॉर्फ कर लेते हैं। दूसरी तरफ रीता गोल्डर बनाती है और अपनी आर्मी बनाते उन्हें पावर रेंजर्स से लड़ने भेजती है। जो उनके पास पहुंचते हैं तो रेंजर्स अपनी स्किल्स से उनसे लड़ते हैं, लेकिन जब वो ज्यादा हो जाते हैं तो सब जोट ले आते हैं और आर्मी को मारते टाउन की तरफ बढ़ते। यहाँ उन्हें रीता गोल्डर के साथ क्रिस्टल ढूंढने के लिए जाती दिखती है। वो सब टाउन जाते हैं तो रीता आर्मी ले आती है जिससे लड़ते हुए सब रीता और गोल्डर पर अटैक भी करते जाते हैं, लेकिन किसी भी अटैक में कामयाब नहीं हो रहे होते हैं। फिर भी वो हिम्मत नहीं हारते हैं और किम्बरली प्लान बनाए बिली को गोल्डर पर फेंकती है जिस पर बिली ब्लास्ट कर देता है जिससे गोल्डर और रीता दूर गिरते हैं। सबको लगता है कि दोनों मर गए हैं, लेकिन वो दोबारा उठते क्रिस्टल पर होल कर देती है जो देखकर रेंजर्स जमा होकर उनका मुकाबला करते हैं, मगर वो बुरी तरह हार रहे होते हैं। साथ ही गोल्डर आग लगाकर होल में फेंक रहा होता है। वो समझते हैं कि वो मर जाएंगे, लेकिन वो जोर्ज के जमा होने से नया जोर्ज बनाते निकलते हैं जिसे देख रीता देखकर गोल्डन में घुसती उसे कंट्रोल करके इनसे लड़ती है और सब मिलकर रीता को हरा देते हैं, जिस पर गोल्डर खत्म हो जाता है। रीता उन्हें इंसल्ट कर रही होती है तो वो उसे स्लैप करते स्पेस से बाहर फेंकते हैं, जिस पर वो मर जाती है और उसका कॉइन पीछे रह जाता है, और साथ ही रेंजर्स को लोग हीरो मानने लगते हैं। इन सब ऑर्डियल के बाद रेंजर्स फ्रेंड होते हुए अपनी जिंदगी गुजारने लगते हैं और खुश होते हैं। दोस्तों, आई होप आप सभी को ये मूवी की समरी काफी पसंद आई होगी। मुझे कमेंट करके बताइएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए जो नई नई मूवीज देखना पसंद करते हैं, और इस चैनल में आपके लिए रोज नई नई मूवीज की समरीज लेके आता हूँ। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए जिससे इमिडिएटली आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा मेरे नेक्स्ट वीडियो का। और इसी के साथ मैं चलता हूँ और मैं फिर मिलूंगा आपसे एक नई मूवी के साथ, और मेरी नेक्स्ट मूवी बहुत जल्दी ही अपलोड करूंगा जिसका नाम है ब्यूटी एंड द बीस्ट, जो 2017 में रिलीज हुई थी। थैंक यू सो मच गाइज एंड स्टे सेफ।